हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 31। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन सेव्स ₹78 पर मंथ, हाउ मच विल ही सेव इन 4 ईयर्स। बच्चों, एक आदमी जो है बचाता है 78 रुपीस पर मंथ बचा रहा है, मतलब हर महीने में। तो हाउ मच, कितने विल ही सेव, मतलब वो कितना सेव करेगा इन 4 ईयर, 4 साल में वो कितने रुपए बचाएगा। तो इसके लिए बच्चों, सबसे पहले हम 4 साल को हम इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ में, ठीक है। तो 4 ईयर में कितने मंथ होते हैं पहले कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होगा 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 12 मंथ। बच्चों, तो 4 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 4 ईयर का निकालेंगे कितने मंथ होंगे। 4 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 4 इज इक्वल टू 48 मंथ, ठीक है। तो हमें 48 मंथ में कितना बचत करता है एक आदमी, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो एक मंथ में 78 करता है, तो अभी यहाँ करेंगे ए मैन सेव्स ₹78 इन 1 मंथ। वन मंथ में वो कितना 78 कर रहा है। तो हमें 48 मंथ में कितना सेव कर रहा है फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे ए मैन सेव्स इन 48 मंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 78 × 48, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा ₹37,444, ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1 बेल ऑफ कॉटन कॉस्ट ₹789, हाउ मच विल 1 डजन बेल्स कॉस्ट। बच्चों, एक बंडल जो कॉटन का है उसकी कॉस्ट 789 है, तो 1 डजन बेल्स कॉस्ट कितना होगी। 1 डजन कॉटन का जो बेल्स है, बंडल है, उसका कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको हम आपको पता होगा बच्चों कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। तो 1 डजन इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं 1 डजन इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 1 बेल ऑफ कॉटन कॉस्ट 789, 1 बेल ऑफ कॉटन ₹789, तो हमें कितने की फाइंड करनी है, 12 डजन, 1 डजन 12 बेल की, तो
ट्वेल्व बेल, यहाँ पर वन डजन के जगह हम ट्वेल्व बेल लिखेंगे, यहाँ पर ट्वेल्व बेल ऑफ कॉटन कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ट्वेल्व मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, 789 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रुपी 9468, ये इसका आंसर होगा, मतलब कि हमारा 12 बेल्स ऑफ कॉटन का कॉस्ट होगा 9468 रुपीस। ठीक है बच्चों, बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल द 67 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 इन ए स्कूल प्लान्ड टू गो ए पिकनिक, ईच कंट्रीब्यूट्स रुपी 125, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। बच्चों क्लास फोर के 67 स्टूडेंट्स जो हैं पिकनिक प्लान करते हैं, ठीक है, तो ईच प्रत्येक कंट्रीब्यूट्स, प्रत्येक कंट्रीब्यूट करते हैं रुपी 125, प्रत्येक जो है इकट्ठा कर देते हैं रुपी 125, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड, तो कितनी अमाउंट कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि 67 बच्चे हैं, बच्चों की संख्या कितनी है 67, वन बच्चा 125 रुपीज, तो हम लिखेंगे वन स्टूडेंट देन वन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स रुपी 125, ठीक है, तो 67 कितने करेंगे कंट्रीब्यूट, तो 67 स्टूडेंट हो जाएगा, 67 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 125 × 67 इज इक्वल टू, तो बच्चों तो हमारा आंसर हो जाएगा रुपी 8375, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड कितना हो जाएगा 8375 रुपी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 67 स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट 125 × 67 कर देंगे, तो जितना आया ये सारे कंट्रीब्यूट किए, ठीक है, तो 67 स्टूडेंट्स इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यही हमारा ये यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड इज इक्वल टू रुपी 8375, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों,
बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।